नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम्स का फर्स्ट पारी का फर्स्ट जीके का पेपर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। 75 क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है उन स्टूडेंट के लिए जिनका अभी तक जीके का पेपर नहीं हुआ है, तो 75 क्वेश्चन तक आप अपनी पहुँच जरूर रखें। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ किसके द्वारा लिखा गया? ये लिखा गया भगत सिंह के द्वारा। इन चारों पर मैंने बायोग्राफी वाले वीडियो बना रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले भी, तो आपने वो नहीं देखे तो जरूर देखें, इंपॉर्टेंट है। इससे जो फोर्थ नंबर ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, इनका एक और क्वेश्चन भी पूछा गया है इसी पेपर में। और आप आगे देखिए, आगे जो सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, इस वीडियो में हम केवल क्वेश्चन देखेंगे, आंसर की जब भी ऑथेंटिक पूरी तैयार हो जाएगी तो ही मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो यहाँ पर आप देखिए, विजय सिंह पथिक का क्वेश्चन आया है, जो राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी है, जो फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उनके बारे में आप जरूर रीड करके जाएं। 1857 की क्रांति, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन पूछा गया। स्वतंत्रता संग्राम, इसका क्वेश्चन पूछा गया। फिर आगे दे रखा है मुगल सम्राट अकबर, इनसे रिलेटेड दो क्वेश्चन पूछे गए हैं फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में इसी पेपर में। अशोक स्तंभ से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर आगे ये देखिए, सुभाष चंद्र बोस का क्वेश्चन आया है, अगर आप इसको रीड करना चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। भक्ति आंदोलन का ये क्वेश्चन आया है, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित। गुप्त काल का ये क्वेश्चन है, अकबर से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन। सबसे अंतिम में किसी को भेजा गया था? टोडरमल। दयानंद सरस्वती से संबंधित ये क्वेश्चन है, यहां पर रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, जो बच्चे कुछ दिन है उनमें आप अपनी तैयारी अच्छे से रखें। यहाँ पर ये देखिए, हिंदी के क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अशुद्ध है, फिर उपसर्ग और प्रत्यय दे रखे हैं, फिर विलोम शब्द का क्वेश्चन है, फिर ये संधि वाला क्वेश्चन है, फिर आगे दे रखा है शब्दों पर ध्यान दीजिए, अकर्मक क्रिया कौन कौन सी है इसमें, फिर इंग्लिश के क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप। सारा का सारा पेपर ये, इसका लेवल तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसमें जो करंट के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो काफ़ी पुराने पूछे गए हैं। ये आप यहाँ पर देखिए, 2018 का है ये क्वेश्चन। ये वापस देखिए, यहाँ पर 2018 का क्वेश्चन, 40वां नंबर, करंट काफी अधिक पुराना पूछा गया है। जनगणना के दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट होता है, आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। विराट कोहली से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा गया। फिर आप आगे यहां पर देख सकते हैं, पॉलिटिक के क्वेश्चन, राज्यसभा, फिर ये साइंस का क्वेश्चन यहाँ पर, गुणसूत्र से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया, संवेग का ऐसा मात्रक क्या होता है। ये वापस 2017 का क्वेश्चन, राजस्थान जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है। आरटी एक्ट के इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने लास्ट कल ही अपने टेलीग्राम पर एक पोस्ट डाली थी कि आपको आरटी एक्ट वाले जो मैंने क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं वो आप जरूर उस वीडियो को देख के जाएं। तो इस पेपर में आज आपको दो क्वेश्चन देखने को मिले हैं, मुझे काफी अधिक खुशी हुई है कि मैंने आपको वो सजेस्ट किया है और उसमें से दो क्वेश्चन आपको इस पेपर में देखने को मिले। कुछ दिन पहले मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आपको खनिज वाला वीडियो देखकर जरूर जाना चाहिए, तो ये देखिए यहाँ पर खनिज वाला क्वेश्चन भी आया है। ये देखिए 2011 के जनगणना से रिलेटेड ये सेकेंड वाला क्वेश्चन, यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन है आरटी एक्ट से संबंधित।
सर्व शिक्षा अभियान से रिलेटेड एक क्वेश्चन 71, ये वापस देखिए 72 वाला आरटी एक्ट 2009 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप भी तैयार करके जाएं जिनका भी पेपर बाकी है, फर्स्ट और सेकंड, सेकंड और थर्ड वाला, ठीक है। फर्स्ट तो ये हो गया जीके वाला पेपर, सेकंड पारी और थर्ड पारी, और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर 75 वाला। तो फ्रेंड्स आप अपनी तैयारी इसी प्रकार रखें, पेपर में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और जब भी इसकी ऑथेंटिक की आपके लिए रेडी हो जाएगी तो मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पर मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा देता हूँ। इस वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।